हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने विषय कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान रिवीजन टेस्ट लेकर आया हूं, जो आप लोगों के सामने ये रहा उपलब्ध। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को सभी प्रकार के रिवीजन टेस्ट मिलेंगे कक्षा 9th से लेकर कक्षा 12th तक के, वो भी ब्लॉक पूरे कम्प्लीट। तो इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन 1 से अंत तक का क्वेश्चन के उत्तर मिलेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो और मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि मेरा मकसद केवल बच्चों की हेल्प करना है, यानी सही बच्चों की मदद करना ही है। ना तो मेरा मकसद किसी भी प्रकार का पैसा कमाना है, ना ही मेरा मकसद किसी भी प्रकार का पेपर को लीक करना है। ओके, मेरा मकसद केवल हेल्प करना है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने ही रहा। तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, जिसमें आप लोगों के सामने सही विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोगों के प्रश्न क्रमांक प्रश्न पत्र में देख लीजिए, वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। अगर मैंने जैसा लिखा है, अगर आप लोग इसी प्रकार से लिखते हो तो भी आप लोगों को नंबर मिलेंगे, अगर आप अपने हिसाब से लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही विकल्प। तो आपके सामने पहले का उत्तर बा, यानी जरूर मिट्टी होगी। दूसरे का उत्तर दा, लाड़ कैनन। तीसरे का उत्तर दा, 395। चौथे का उत्तर सा, 1948। पाँचवें का उत्तर सा, न्योहोवा सेवा। ओके, इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट राइट आंसर अपने प्रश्न पत्र में लगा सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, आप लोगों को भी पता होगा। तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में एक वाक्य में आप लोगों को क्या करना है, पहले में लिखना है आपको ह्यूमस। ओके, दूसरे में लिखना है आपको 1 अप्रैल 1951 को। तीसरे में लिखना है आपको 230। चौथे में लिखना है आपको चर्बी लगे कारतूस। पाँचवें में लिखना है आप लोगों को 6। ओके, इस प्रकार से आप लोग अपने एक वाक्य के उत्तर आप लोगों के कम्प्लीट हो रहे हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें आप लोगों के सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आप लोगों को रिक्त स्थान किस प्रकार से भरना है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहले में आप लोगों को लिखना है महाराष्ट्र। दूसरे में लिखना है आप लोगों को इंटरनेट। तीसरे में लिखना है आपको वन सुरक्षा समितियों, यानी वन सुरक्षा समितियों का। चौथे में लिखना है आपको बहादुर शाह द्वितीय। पाँचवें में लिखना है आपको दीश। इस प्रकार से आप लोग रिक्त स्थान भर लीजिए। ओके, बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 ओर, जिसमें आप लोगों के सामने सही जोड़े दिए गए हैं। तो आप लोगों को सही जोड़े किस प्रकार से मिलाना है, चलिए मैं बताता हूँ। मैंने इस प्रकार से लिखा है, अगर आप लोग अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मैंने इस तरफ वो प्रश्न नहीं लिखे, आप लोग प्रश्न लिख कर इस तरह से ड्रेस भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये सही जोड़ी मिलाना है आपको पहले की आर्थिक कल्याण से, दूसरी की सही जोड़ी मिलाना है असम से, तीसरी की सही जोड़ी मिलाना है रामकृष्ण मिशन, चौथी की सही जोड़ी मिलाना है सौ दिवस, पाँचवीं की सही जोड़ी मिलाना है आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके, इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी मिला सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ए रहा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लेना है। इसमें आप लोगों को भौम जल के स्रोत लिखना है, तो आप लोग भौम जल के स्रोत लिख लीजिए। भौम जल के स्रोत इस प्रकार से हेडन डालिए, मैं आप लोग बताऊँ। इसे भौम जल के स्रोत इसे कुआ बार ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है, तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, जो भौम जल वो कहलाते हैं जो हमारे धरती द्वारा पानी निकाला जाता है। ओके, इस प्रकार से आप लोग भौम जल का आंसर ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आप लोगों को 1857 क्रांति के केंद्र लिखना है। तो 1857 की क्रांति के केंद्र आप लोगों के सामने ए रहे, आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो पहले आपका बेकरपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है दिल्ली, चौथा है कानपुर, पांचवा है झांसी, छठवां है ग्वालियर, सातवां है लखनऊ, आठवां है जगदीशपुर और बिहार, यानी बिहार में है जगदीशपुर। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर आप लोग कम्प्लीट होते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप लोगों के सामने ए रहा। इसमें पूछा गया है आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास किस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हेडिंग डालना। तो इसमें लिखना आप लोग एक ऐसी अनबद्ध प्रक्रिया
जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादक साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक सी में का उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8। आप लोग वीडियो को लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें आप लोगों को मृदा के उपाय लिखना है। मृदा माने मिट्टी के उपाय, यानी मिट्टी के उपाय लिखना है। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिखिए। पहला है आप लोगों वनों की अनाधुन कटाई रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ओके, इस प्रकार मिट्टी वनों की अनाधुन कटाई रोककर वृक्षारोपण को बढ़ाती है। दूसरा लिखना आपको पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। तीसरा लिखना आप लोगों खेतों में बंधिकाएँ बनाकर, यानी बंधिया वो लगती बंधिया तो बंधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आप लोगों को अंतर लिखना है। वो भी प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अंतर अथवा का है खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर खरीफ और रबी की फसलों में अंतर किस प्रकार से लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ। खरीफ की फसल इधर रबी की फसल, खरीफ में लिखना आप लोगों को पेंडल नंबर पर यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। ओके, रबी की फसल यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। ओके, दूसरे में लिखना आपको इसकी मुख्य फसलें धान ज्वार बाजरा मक्का कपास आदि है। इसका गेहूं जौ चना सरसों आदि इसकी मुख्य फसलें ये हैं। इसे ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होता है। इसमें आप लोग खरीफ रबी फसल लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक इसको रोक कर भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें दिया गया 1857 की बारे में। तो सन इसके आप मैदान से आप लोगों के सामने ये रहा। तो सन 1857 में भारत की जनता सैनिकों व विदेशी रियासतों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से व्यापक स्तर पर संघर्ष किया, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की न्यू डगमगा उठी थी। इस कारण इसे सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस कारण इसे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जो आप लोग के सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है समितियों के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो समितियों के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं, जो आप लोग लिख सकते हैं। निजी उद्योग इस उद्योग में आप लोग लिखना है इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत समितियों में होते हैं। ओके, यानी निजी माने स्वयं के द्वारा, सरकारी माने सरकारी उद्योग वे उद्योग जो सरकार के द्वारा समित होते हैं, सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वत्व में होते हैं। ओके, चौथा आपका मिश्रित उद्योग जो उपरोक्त दो या दो से अधिक समितियों में होते हैं उन्हें हम मिश्रित उद्योग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समितियों के चार उद्योग के प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ए रहा आपके सामने। इसमें आप लोगों को राजनीतिक कारण लिखना है। ओके, किस प्रकार से आप लोगों को कारण लिखना है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसमें पहला कारण लिखना आप लोगों को राजनीतिक कारण। इस संग्राम में अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। ओके, इसमें कारण लिखना था, जिस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो को लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम दूसरी ओर, इसमें है सामाजिक कारण। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धर्म प्रतिबंधों को प्रोत्साहित करना। ओके, इस प्रकार से बढ़ते हम तीसरे कारण की ओर। तो इसमें आप लोगों के सामने ये रहा तीसरा कारण आपका आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों का उजाड़ कर दिया था। ओके, सैनिक कारण। चौथा सैनिक कारण, कंपनी के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी जबकि ब्रिटिश सैनिक 35,000 थी। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो 13 का उत्तर आप लोग लिखना है, भारत का संविधान लिखते एवं विकसित क्यों है। तो मैं आप लोगों के सामने नीचे देखता हूँ इसका उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, चलिए लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, जो लिखा है भारत का संविधान लिखते विकसित क्यों है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने पहले इतना लिख लीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए ठीक।
इतना लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं पढ़ के सुना दूँ एक बार। भारत का संविधान एवं संविधान समान है एक निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए यह निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना व कार्यनालिका के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यवादी का विषय में स्पष्ट रूप से लिखा दिया गया है, इसलिए हमारा संविधान लिखे थे। ओके, अब नेज आप लोग इसका विस्तृत लिख लीजिए। तो मैं विस्तृत के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर कर दूँ, तो ये आपका विस्तृत है, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। तो वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं पढ़ सकता हूँ, पढ़ते क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण के बारे में लिखना है, जो आप लोगों का उत्तर हमें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर की ओर। तो आप लोगों को ये लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना से आवश्यक उद्देश्य में विस्तार लिखना है। तो आप लोग किस प्रकार से लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को लिखना है उत्तर में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब के निवारण, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक रोजगार बढ़ाने, केर कृषि अवधि में अकुशल ग्रामीणों को गांव से पलायन रोकने के लिए सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया, जिसमें इच्छुक ग्रामीण परिवार को रोजगार प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवासित प्रत्येक परिवार के व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने का तैयार हो, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिस्थितियों का निर्माण करना। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें आप लोगों को आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो ये लिखना है। तो इसके बारे में चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर ये रहा आपके सामने। इसमें आप लोगों को लिखना है, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधा निम्नलिखित है। देश की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, कुछ नदियाँ तो शुष्क मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं, और कुछ में जल धारा इतनी उथली होती है कि उनमें नाव या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते हैं। वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति एवं बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव नदियाँ का परिवहन के लिए उपयोग नहीं हो पाता है। तो सदानियार नदियों में सिंचाई के लिए जगह जगह से नहरें निकाली गई हैं, जिसमें नदियों में जल स्तर का तो कम हो ही जाता है। मार्ग में द्वार या बंद बनाने से मार्ग बाधायुक्त हो जाते हैं, अर्थात जो नदियां पहले नौ संचालक के योग में थी अब उपयोगी नहीं रही। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होता है। आप लोग वीडियो रोक अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 16 में आप लोगों को लिखना है, वनों से होने वाले लाभ। तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत सरल है क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख लिया दिया है, आप लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी की प्राप्ति, आप लोग इसमें लिख सकते हैं हेडिंग लकड़ी की प्राप्ति। हमें वनों से लकड़ी की प्राप्ति होती है, लकड़ी से हम क्या क्या कर सकते हैं, लकड़ी से क्या बना सकते हैं, लकड़ी जला के हम लोग खाना बनाते हैं, इस प्रकार से आप लकड़ी के बारे में लिख सकते हो। दूसरे में लिखना आपको पदार्थों की प्राप्ति, और हम इसमें लोग आप लोग हम लोगों को वनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे गोंद प्राप्त होती है, कोयला प्राप्त होता है, जिन्हें जला के लकड़ियों से कोयला प्राप्त होता है, इस प्रकार के पदार्थ लिख सकते हैं। ओके, जैसे तेल हुए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें लिखना आप लोग चारागाह, तो चारागाह आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग पशु पालते हैं तो हम लोगों को वनों से ही तो उनके लिए चारा लाना पड़ता है, जैसे पत्तियाँ हुई, तो कहीं पर बकरी पालन है तो पत्तियाँ हम वनों से पत्तियाँ काट काट के उन्हें सुखा लेते हैं, यानी चारागाह बना लेते हैं और सुखा कर रख लेते हैं, जब बकरियाँ ज़्यादा हैं तो उन्हें हम खवाते हैं। इस प्रकार से आप चारागाह हो सकता है वनों से लाभ। रोजगार, अब इसमें रोजगार वनों से हमें कई प्रकार के रोजगार हैं, क्योंकि हम लोग लकड़ी काटेंगे तो बेचेंगे तो एक रोजगार हो गया, लकड़ी आ गई लकड़ी से हम तख्त बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, तो एक रोजगार भी मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। पाँचवा आपका विदेशी मुद्रा का आधार, इसमें आप विदेशी मुद्रा नहीं बाहर हम अपने वनों से जो प्राप्त होता है हम बाहर बेचेंगे, विदेशी मुद्रा से हम अपनी मुद्रा कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हमें विदेशी मुद्रा का भी
आवर्जन होता है। जैसे वनों से हमें लाख प्राप्त होती है, तारपीन होता है, चंदन, ये बाहर बिकते हैं यानी विदेशों में जाते हैं, इसलिए हमें वनों से इन प्रकार के लाभ होते हैं। आप लोग इसी प्रकार से अपने मन से लिख सकते हैं, ओके, बहुत सरल है। आप पास के आवास, आप लोगों के आसपास सभी के आवास पेड़ पौधे हैं, वही तो वन कहलाते हैं। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर मैं आप लोग इसमें आप लोग समझ लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा में है मूल कर्तव्य। आप लोगों को मूल कर्तव्य लिखना है। अब आप हर नागरिक के मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ इसमें बताना है। तो आप लोग बता दूँ कि हर किताब यानी जितनी भी किताब है अपनी सरकारी, तो उसके फ्रंट पेज पर यानी सबसे पहले पेज के लास्ट में आप लोगों को मूल कर्तव्य लिखे रहते हैं, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये रहे आपके मूल कर्तव्य, तो आप लोग लिख लीजिए है किताब का फ्रंट के यानी पहला वाला पेज के लास्ट है, पहले पेज के बगल पीछे लिख रहा है। तो भारत का संविधान भाग 4 नागरिकों के मूल कर्तव्य, अब आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे का एक संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्कृत राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। खा में लिख सकते हैं आप स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संयोग रखें। इस प्रकार से आप लोग पूरे कंप्लीट मूल कर्तव्य लिख सकते हैं, आपकी किताब के पीछे होगा तो आप लोग देख सकते हैं, यानी किताब का पहला पेज उसके जस्ट किताब के पहले पेज के पीछे होगा। तो आप लोग अगर किताब नहीं देखना हो वहाँ पर तो आप लीजिए, मैं यहाँ पर ले ए कर दिया, अब आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, ओके वीडियो ओके। बढ़ते लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर अथवा, आप लोग इसमें परिवहन के साथ मानव सभ्यता की प्रगति में पथ प्रदर्शक क्या है। तो आप लोग इसमें परिवहन आप लोग जानते हो, इसमें परिवहन के बारे में लिखना है, परिवहन से मानव को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होती है। इस प्रकार से आप परिवहन के बारे में लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि पहले हम लोग पैदल चलते थे तो इसलिए हम लोग लेट हो जाते थे, या समय की बचत होने लगी, हम लोग विदेशों से भी वायुयान से आ सकते हैं, हमको कहीं पर जाना पड़ता है तो रेलगाड़ी है। इस प्रकार से आप लोग पूरी डिटेल से लिख सकते हो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हो या आप लोग कहीं से भी इसे ढूंढ के लिख सकते हो। बहुत सारे आप लोग मन से लिखिए, अच्छी बात है, क्योंकि वार्ष परीक्षा में ये सब नहीं चलेगा जो अभी इस परीक्षा में चल रहा है, ओके, इसलिए आप लोग मन से लिखिए परिवहन के बारे में, अच्छी तरह से लिखिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 में आप लोगों को 1897 की असफलता ही कारण लिखना है। तो 1897 की असफलता के कारण आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, आप लोग समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, आप लोग थोड़ा अपने मन से लिखिए तब, क्योंकि नकल तो चल ही रही है इसमें, तो आप लोग वार्षिक परीक्षा में नहीं चलेगी। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, जी हाँ से मैं आप लोग बता दूँ यहाँ पर 1897 की असफलता के कारण किस प्रकार से, तो इसमें लिखा है संगठन और एकता का अभाव। इसमें आप लोग लिख सकते हैं संगठन और एकता, माने जब 1897 की असफलता के कारण एक मुख्य कारण ये कि हम लोग को एकता नहीं थी, कोई कहीं पर था कोई कहीं पर था, संगठन नहीं था, क्योंकि इसमें किसी ने समझाया नहीं है तो कैसे एकता होगी। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो। इसमें भाषा का अभाव, क्योंकि हमारी भाषा कई प्रकार की थी, किस प्रकार की थी, कोई संस्कृत बोल रहा था, कोई हिंदी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, इस प्रकार से, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा से अंग्रेजी थी इसलिए वे भाषा समझ आते थे, अपन लोग भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इसमें प्रचार प्रसार, हाँ, और अपने में जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो अपने प्रचार प्रसार नहीं हुआ था कि ये रहा, तो पहले उनका तो सबको मालूम है, अगर हम जैसे मैं बता दूँ कि लड़ाई होना है, इस वजह से आपको पता चल गया आप मेरे ग्रुप में हो गए, तो इस वजह से एक सब पहचान नहीं हुआ था, इसके हारने का मुख्य कारण ये भी था। और चौथा आपका परंपरागत हथियार, अब हथियार, अब समझिए हम लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, यानी भारत सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जो सैनिकों के पास जो अंग्रेजी सैनिकों के ब्रिटिश सरकार के पास थे उनके पास गोला बारूद इस प्रकार से थे, हमारे पास पुराने हथियार थे, पुराने हथियार यानी भाला तलवार तीर कमान इस प्रकार से, तो ये भी मुख्य कारण हो सकता है। अगर सामान्यवादी स्वरूप, इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं सामान्यवादी स्वरूप, इसमें आप लोगों को समझ सकना है कि इसमें भी सामान्यता का ही वो था कि हम लोगों को भड़का दिया जाता था कि आप लोग ऐसे हो ऐसे हो, इस प्रकार से हम लोग कहीं इसका एक मुख्य कारण यही है। तो आप लोग 1897 की असफलता के कारण अपने मन से लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग मन से लिखेंगे, क्योंकि इतना सारा हो चुका है, अभी एक प्रश्न आप लोग मन से लिखेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो क्योंकि मैं तो सर हूँ, मैं तो आपके भविष्य के बारे में सोचूंगा, क्योंकि नकल चल रही है इसलिए मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, तो ये वार्षिक में नहीं चलेगा तो इसलिए मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। तो आपके रिवीजन टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस पर आप लोगों को कंप्लीट ही हर विषय की पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग अपने चैनल को जो ज्वाइन कर लें और आप लोग सबसे पहले बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को मैं जो कुछ पढ़ाऊँगा आपको मिलेगा। तो आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 20 के पूरे आंसर हो चुके हैं, ये आप लोगों के
कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है, लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का कल काय का पेपर है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।